प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है। उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में गुरुवार शाम उस दौरान हिंसा भड़क गई जब शहर के मलिक का बगीचा में स्थित अवैध मदरसा और नमाज स्थल को तोड़ने के लिए नगर निगम के कर्मचारी और पुलिसकर्मी पहुंचे। उसी दौरान शाम 4 बजे इलाके के स्थानीय लोगों ने पुलिस पर तीन तरफ से पत्थरबाजी और हमला कर दिया। इस दौरान हर गली और हर छत से पत्थरों की बौछार पुलिस पर की गई। इस दौरान पुलिसकर्मी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भागे। दरअसल अवैध मदरसा और नमाज स्थल तोड़ने पहुंची पुलिस और नगर निगम के कर्मचारियों उपद्रवियों के पत्थरबाजी का शिकार हो गए। इस दौरान जबरदस्त आगजनी भी हुई। वन भूलपुरा थाने को भी उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। उपद्रवियों ने इलाके में खड़ी पुलिस की और प्राइवेट गाड़ियों में भी आग लगा दी। इस हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत और करीब 139 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हम वहाँ तोड़ने के लिए जैसे पहुँचे तो चारों तरफ से वहाँ रास्ते में भी जा रहे थे हम जब स्टार्टिंग में, तो वहीं से पत्थर मारने स्टार्ट कर दिए थे। बड़ी मुश्किल से फोड़ हमने रोक रख के आगे तक पहुँचे। वहाँ पे जहाँ पे मेन पॉइंट था, जहाँ पे तोड़ना था, तो वहाँ पे पहुँचे तो सब लोग किनारे पे, कोई इस गली से आ रहा है, कोई उस गली से पत्थर मार रहा है। बड़ी मुश्किल से एक गली में रोक रहे थे तो कोई पीछे साइड से आ रहा था, चारों तरफ से हमें घेर लिया। वहाँ टारगेट कौन था? टारगेट हम ही लोग थे, हम ही लोगों को पत्थर मारे गए। और क्या कहते हैं, जब वो जो मस्जिद जो तोड़ा जा रहा था, जो मेन पॉइंट था, वो तोड़ हम जैसे हम तोड़ा हमने उसको तोड़ने लगे तो लास्ट ही हो गया था, लगभग अंधेरा होने वाला था। तो हम जब निकल लेते थे, फिर निकलते समय ज़्यादा हुई तो सब लोग सिर्फ सब पीछे पीछे आ गए हमारे। हम जिस पॉइंट से आ रहे थे निकलते हुए, तो कुछ जवान पीछे छूट गए, तो कुछ जवान हमारे घायल भी हुए बस। हाँ, ये जो अभी ये साथ के हैं, जो अभी जिनके पसली टूटी हुई है, तो गाड़ियाँ जो गाड़ियों में जो निकले हैं उनके गाड़ियाँ तोड़ के उसके अंदर पत्थर मारे गए। यहाँ माटे टूटे हैं बहुत लोगों के। हिंसा के दौरान उपद्रवियों द्वारा चारों ओर से पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई, जिसमें 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी समेत 200 लोग जख्मी हुए। हिंसा में पत्रकार और नगर निगम के कर्मचारी भी घायल हुए। हिंसा के बाद इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। प्रशासन की तरफ से शांति की अपील की गई है। गुरुवार को पुलिस फोर्स को ये निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी कानून को अगर हाथ में लेता है और उपद्रव करता है तो उसको गोली मार दी जाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई घटना पर त्वरित संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि उपद्रवियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। देवभूमि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले किसी भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहां पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहां पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहां पर अभी तत्काल अन्य कंपनियां पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हिंसा भड़कने के बाद पुलिसकर्मियों ने उपद्रवियों का डटकर सामना किया, मगर सैकड़ों की संख्या में जुटे उपद्रवियों ने ताबड़तोड़ पथराव कर थाने पर कब्जा करने की कोशिश की। पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो पेट्रोल बम से हमला कर थाना जला डाला। थाने की दीवार तोड़कर उपद्रवी अंदर घुसे और एसओ का दफ्तर फूंकने का प्रयास किया। थाना अध्यक्ष नीरज भाकुनी के कार्यालय में तोड़फोड़ की और आग लगाने का प्रयास किया। थाने में घुसे उपद्रवियों के हाथों में पेट्रोल से भरी बोतल तक थी। उपद्रवियों ने थाने के बाहर खड़ी पुलिस और पीएसी की गाड़ियों और बाइक फूंक दी। 20 से ज्यादा बाइकों में आग लगाई, थाने के अंदर और बाहर तोड़फोड़ की और आग लगा दी। पुलिस अधीक्षक हरीश चंद्र वर्मा समेत 40 जवान थाने में ही फंस गए थे। इनमें ज्यादातर महिला पुलिसकर्मी थाने के अंदर फंस गई थी। थाने पर हमले के वक्त महिला सिपाही घटना की जानकारी वायरलेस सेट पर उच्च अधिकारियों को दे रही थी। वो कहती हैं, सर हमें बचा लो।
इसी बीच अचानक लाइट कट गई। इसके साथ ही उपद्रवियों ने पुलिस और प्रेस लिखी बाइकों को भी तोड़ा और उनमें आग लगा दी। बहुत ज्यादा हम बहुत बच के आए, बहुत एक घर के अंदर पथराव हुए, एक घर के अंदर घुस गए हम लोग। अंदर घुसे हम कम से कम 15-20 लोग घुसे थे। उसके बाद बाहर से जो है फिर उन्होंने आग लगाने की कोशिश करी, पथराव करे, सब कुछ करा उन्होंने। बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए हम लोग। फिर हमारा फोर्स, काफ़ी देर बाद हमारा फोर्स आया, फिर निकल के आए। जो पत्थर लगे ऊपर से इधर उधर से, बहुत 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 कंडीशन खराब, बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल से बच के आए हम लोग आज। कितने लोग थे, कितने लोग आए? हम लोग तो अरे पूछो मत, हर जगह से, हर गलियों से, हर जगह से पथराव पथराव हो रहे थे वहाँ पे। तो हर गली छतों से भी, घरों नीचे से भी, क्योंकि गलियाँ घेर ली थी उन लोगों ने, चारों तरफ से गलियां भी घेर ली थी, छतों से भी आ रहे थे। बहुत लगे, बहुत ज़्यादा। अब हमें आदि नहीं पता, हम लोग भी 15-20 लोग एक घर के अंदर दबे पड़े थे, मतलब बहुत मुश्किल से बचे थे हम लोग। फिर वहां से हम लोगों ने फ़ोन करा, इधर उधर फ़ोन करा, लोकेशन भेजी। वो लोग उस जिस आदमी ने हम लोगों को बचाया उसको भी गालियां करी उन लोगों ने, उनके मकान तोड़ दिए, उनके दरवाजे तोड़े उसने। बता दें, गुरुवार को हल्द्वानी में हुई हिंसा में अब तक 6 लोगों की जान चली गई और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए, जिसमें स्थानीय जनता के साथ साथ पुलिस प्रशासन और पत्रकार भी घायल हुए हैं और 50 से ज्यादा वाहन आगजनी का शिकार हुए। अब शहर को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया। प्रदेश के अलग अलग जिलों से फोर्स को मंगवाया गया। पुलिस कंट्रोल रूम के मुताबिक अब स्थिति नियंत्रण में है और आसपास के जिलों के कई अधिकारी वहाँ मौजूद हैं। हल्द्वानी शहर में हालात को नाजुक देखते हुए उधम सिंह नगर से पुलिस के 38 अधिकारी, अल्मोड़ा से 36, चंपावत से 5 और बागेश्वर से 1 अधिकारी बुलाया गया। इसके साथ साथ जिला नैनीताल के सभी पुलिस के अधिकारी, सभी थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है। वहीं 10 प्लाटून PAC, IIB, 2 महिला प्लाटून, 2 प्लाटून ITBP और 1 टीम SSB की मौके पर मौजूद है। फिलहाल हल्द्वानी में हालात को देखते हुए आसपास के इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई और लोगों से पुलिस अपील कर रही है कि शांति बनाए रखें और अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना आए। इसके साथ साथ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी SSP अजय सिंह और जिलाधिकारी सोनिका ने शहर के अलग अलग स्थानों पर जाकर सुरक्षा व्यवस्था देखी। पुलिस का साफ कहना है कि कोई भी अगर किसी तरह के भड़काने की बात करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।